जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट आपके इस चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो तीन बातें हैं, हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि जब मैं बहुत से जातकों से बात करता हूँ और बात करने के दरमियान कुछ रहस्य जो बाहर आते हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें जो सभी इंसानों में सामान्य रूप से ये चीज़ें बहुत कॉमन पाई गई है, तो ये तीन बातें बता देने से उनकी परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है, वो तकलीफ़ों में आ जाते हैं। उनके साथ कई सारी मतलब जीवन जो है एक सामान्य था, पर वो कई सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। तो वो कौन सी तीन बातें हैं, खासकर महिलाओं को विशेषकर ये बातें नहीं बताना चाहिए। मतलब अगर आप महिला हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा ये चीज़ें संवेदनशील हो जाती है। फिर पुरुषों के लिए भी ये चीज़ें संवेदनशील है, तो दोनों के लिए संवेदनशील बातें हैं ये। इन बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझें और इन पर अपने जीवन में अमल करें। इस वीडियो को शुरू और आगे थोड़ा सा बढ़ाऊँ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। और अपनी अगर आप कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फ़ीस और शुल्क लागू है। दोस्तों होता ऐसा है दरअसल कि हम जाने अनजाने में कई बार हम वो चीज़ें लोगों को बता देते हैं जो हमें नहीं बताना चाहिए। जैसे होता ऐसा है कि हम बहुत भावुक हैं, बहुत सरल हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको कभी भी भूलकर किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए वो होती है गुप्त बातें। गुप्त बातों में कौन सी बातें आती है कि वो बातें जो किसी व्यक्ति की सिर्फ हमें और उन व्यक्ति को पता है, अन्य किसी को नहीं पता है। पर बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो उनके मुंह में मतलब उनके पेट में कोई बात टिकती नहीं, वो बात हर किसी को बता देते हैं। और बस यही जो है, हर किसी को बात बता देना सबसे पहली परेशानी खड़ी हो जाती है। क्योंकि लोग आप इतने भोले और सीधे नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आप जितने भोले हैं, जितने सरल हैं, सहज इतने लोग नहीं हैं, वो उस बात का, उस गुप्त बात का गलत फ़ायदा उठाकर परेशानी में डाल देते हैं। हम खुद हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला जो एक मुहावरा है, उस चीज़ का यहाँ पर सीधा सटीक लागू होता है। दूसरी बात है, कभी भी हमारा धन किसी को हमें नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि धन अगर हम किसी को बता दिया जाता है तो लोग अपनी बनावटी परेशानी लेकर आते हैं और लोग हमसे उम्मीद रखने लग जाते हैं, क्योंकि हम भी हमारा परिवार लेकर, हम भी हमारा करियर लेकर, बहुत सी चीज़ें लेकर बैठे हैं और उसमें जीवन चलता रहता है। तो कई बार जब बात होती है तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि पंडित जी, हमने कोई भी व्यक्ति है उन्हें धन देखा और वो इस तरह से चीज़ें जो है क्रिएट हो गई है। तो ये बिल्कुल मैं आपको एक सही सजेशन है कि आप जो लोग सच हैं, जो आपके लोग, जो आपके करीब हैं, जो लोग आपके जीवन का अमूल्य हिस्सा है, उन लोगों की मदद बिल्कुल करें। मैं उस उनको करना भी चाहिए, आपका दायित्व। पर ये जो बातें हैं बाहर समाज में जैसे पता लग जाना, उससे ये चीज़ें मैंने ज़्यादातर लोगों के साथ क्रिएट होते देखी है। तीसरी और मुख्य बात है कि हमारी बीती हुई बातों, बीते हुए जीवन में जो घटनाएं हुई है, उनका भी जिक्र हमें वर्तमान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन घटनाओं से हम वर्तमान को डिस्टर्ब कर लेते हैं और तकलीफ़ों में डाल देते हैं। इसलिए उनको वहीं सीमित और वहीं ख़त्म करें। अच्छा लगा, लाइक करें।